क्या बताओ? लीडरशिप मीनिंग डेफिनेशन नेचर फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको ये काफी बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीजें इसमें है और थोड़ी थोड़ी इसके अंदर मैंने डाली टू पॉइंट्स, सो दैट आप जब इसको लिखो तो अपने आप से इसको एक्सप्लेन कर सकते। नाउ लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडरशिप। ये दोनों के लिए आप देखो, इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए दोनों एक साथ याद दिए गए हैं। नेतृत्व का जो मुख्य अर्थ क्या है, नेतृत्व का मतलब है कि किसी समूह या संगठन को नेतृत्व यानी कि लीडरशिप प्रदान करना, नेतृत्व प्रदान करना। आप किसी समूह के नेता हैं तो आप नेतृत्व कर रहे हैं। यहां पर आपको मैं क्लियर कर दूं, यहां पर नेता का मतलब पॉलिटिकल लीडर नहीं होता प्योरली, क्यों राजनीतिक लीडर नहीं है आप। नेता का मतलब यहां पर है क्लास का मॉनिटर भी है, किसी डिपार्टमेंट का हेड भी होता है, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर या प्रिंसिपल होता है वो भी नेता है। आपकी पंचायत का जो लीडर है सरपंच वो भी एक नेता है। आप किसी समूह के सदस्य है, कोई युवा संगठन है उसका कोई ना कोई अध्यक्ष होता है वो भी एक नेता है। तो जब भी हम नेता की बात करते हैं तो काइंडली डोंट सर्कमस्क्राइब योर थिंकिंग रिलेटेड टू योर पॉलिटिकल लीडर्स, या अपनी सोच को केवल राजनीतिक नेताओं तक लेके नहीं आना है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर सारे प्रकार के नेता आएंगे। नेतृत्व ये है लोगों के समूह संगठन का नेतृत्व करना या ऐसा करने की क्षमता। ये जरूरी नहीं है कि आप नेतृत्व करेंगे ही, आपके अंदर वो क्षमता भी हो सकती है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं द एक्शन ऑफ लीडिंग है ग्रुप ऑफ पीपल और ऑर्गेनाइजेशन और एबिलिटी टू डू दिस, दिस इज नोन एज लीडरशिप। क्लियर मीनिंग नेतृत्व का अर्थ समझ आया? बहुत ही आसान सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अभी इसकी परिभाषा क्या है, अर्थ और परिभाषा में बहुत कम अंतर होता है। अर्थ और परिभाषा के अंदर जो अंतर होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा अंतर होता है, लेकिन याद रखो अंतर होता है। नाउ लेट अस गो फॉर डेफिनेशन, इस परिभाषा को हम देखते हैं। इसमें दो चीज आप ध्यान रखेंगे, इसमें दिखाया जाएगा आपको दो चीज देखेंगे, एक तो व्यवहारिक क्षमता और एक कौशल। नेतृत्व एक प्रकार की व्यवहारिक क्षमता होती है, व्यवहार करने की क्षमता, एबिलिटी बिहेवियरल एबिलिटी होती है। यानी कि जब आप घर पे बैठे हैं सोते सोते कोई नेता नहीं बन सकता, जब कोई ना कोई बिहेव करेगा, कोई एक्शन करेगा, कोई रिस्पॉन्ड करता है तभी कुछ नेतृत्व के गुण व्यक्ति में दिखाई देते हैं। यानी कि जो नेता नेतृत्व एक प्रकार की व्यवहारिक क्षमता होती है और एक कौशल होता है। कौशल आप समझते हो, कौशल इंग्लिश में क्या कहते हैं कौशल को, स्किल, स्किल होती है। किसी एक स्किल का एग्जांपल बताओ आप, बताओ स्किल, सिलाई, सिलाई, सिलाई कर लो आप। तो हैंडराइटिंग देखो, हैंडराइटिंग है ना, कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत ही शानदार होती है, वो इतना बढ़िया लिखते हैं कि जैसे टाइप किया हुआ, वो भी एक स्किल है। साइकिलिंग, साइकिल चलाना है वो भी एक स्किल है। अच्छे से अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना, आप खोले जाते हैं कुछ तो जोकर ऐसे होते हैं कुछ भी पहन के आ जाएंगे, बाथरूम स्लीपर्स में कुछ आ जाते हैं। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, वो भी दैट इज कॉल्ड ड्रेसिंग स्किल, वो भी एक स्किल है, वो भी एक कौशल है। तो आप यहां देखेंगे यहां पर कौशल का मतलब वही है कि जो नेतृत्व है लीडरशिप है ये भी एक स्किल होती है। दैट इज आप कौशल और स्किल का मतलब समझ गए नहीं, तो लीडरशिप का जो गुण है नेतृत्व की जो एबिलिटी या क्षमता हम कहते हैं वो एक व्यवहारिक क्षमता के साथ साथ एक स्किल भी होती है। स्किल क्यों है, क्योंकि किसी काम को दक्षता से करना, बढ़िया ढंग से करना उसको हम कौशल कहते हैं या स्किल कहते हैं। अब साइकिल चलाते हुए, अब आप साइकिल चला रहे हो पांच बार रास्ते में गिर गए, घुटने तुड़वा लिए आपने, वो कोई स्किल, दक्षता से चलाना नहीं हुआ ना, वो दक्षता से चलाना क्या, ढंग से आप चला के आए। इसी प्रकार से किसी समूह को संभालना, उस समूह को उस लक्ष्य तक पहुंचाना, उस समूह के सदस्यों के अंदर संतुष्टि के भाव को पैदा करना, उनको प्रेरित करते रहना, ये सारी चीजें जो है एक कौशल दिखाती है, कौशलता को दिखाती है।
कुशलता दिखाती है और ये कुशलता किसमें नेतृत्व में काउंट की जाती है। ठीक है, आप समझे चीज को, यानी कि नेतृत्व क्या है, व्यवहारिक क्षमता के साथ साथ एक कौशल भी होता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है। ये विशिष्ट लक्ष्य क्या है, समूह के लक्ष्य, समूह के लक्ष्य। मान लिया जाए आपने आपके गांव में एक समूह बनाया, कॉलेज छात्र संघ, आपने उसका नाम दिया कॉलेज छात्र संघ, आपने उसका एक संघ बनाया, एक समूह बन गया वो, उसका आप एक नेता भी चुनेंगे। जब नेता आप चुनेंगे तो उस समूह किस काम के लिए बनाया आपने, आप देखोगे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में ऐसे ऐसे संघ होते हैं, वो संघ किस लिए काम आते हैं, छात्र संघ, उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो नए फ्रेशर्स आते हैं ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, जो पहली बार एडमिशन लेने आते हैं कॉलेज में, उनको भय होता है, स्कूल से निकल के आते हैं उनको डर होता है कहाँ फॉर्म भरना है, कहाँ से पूछना है। स्कूल में क्या होता है, सारा दिन एक क्लास में बैठे रहते हैं, मास्टर आते रहते हैं बदलते रहते हैं, कॉलेज में उल्टा हो जाता है, होता है ना, आपको क्लास कहाँ लगेगी, कैसा माहौल है, सब कुछ बदल जाता है, कोई यूनिफॉर्म का डर नहीं। तो जो नए बच्चे आते हैं उनके अंदर थोड़ा सा भय होता है, गाइडेंस की उनको जरूरत होती है। तो ऐसे छात्र संघ क्या करते हैं, अपने अपने टेबल लगा लेते हैं, आपने बाहर एक टेबल लगा ली, कुर्सी लगा ली, आने वाला विद्यार्थी कोई पूछा इसका फॉर्म कहाँ भरना है, फीस कहाँ कटवानी है, कहाँ जमा करनी है, मेरी कहाँ पर है, स्कूल ऑफिस कहाँ है, मेरी क्लास कहाँ लगेगी, ये जो शुरू शुरू है किसी के अंदर व्यक्ति के अंदर भय होता है। ऐसे छात्र संघ ऐसे लक्ष्य को लेकर चलते हैं कि आने वाले जो फ्रेश विद्यार्थी होते हैं उनको कोई समस्या ना हो। ठीक, मान लिए इसी लक्ष्य के लिए आपने अपना एक छात्र संघ बनाया, ठीक, वो एक समूह बनाया, उस समूह का आपने नेता चुना, अब एडमिशन का समय आ गया, तो जो नेता क्या करेगा, हमारा जो लक्ष्य है कि बच्चों को आने वाले जो नए कॉलेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, ये लक्ष्य है। इस लक्ष्य के लिए आप क्या करेंगे, चार पांच बच्चों को एक साथ बैठा देंगे, संघ के जो समूह के सदस्य होंगे बाहर, एक कुर्सी एक मेज, आने वाला भवन लगा देंगे, बोर्ड भी लगा देंगे विद्यार्थियों की सहायता के लिए, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, कोई भी आएगा पूछेगा भाई मुझे फॉर्म भरना, ठीक है आप ये फॉर्म यहाँ से लो, खिड़की नंबर 17 से लेना, 18 में जमा करना है, जैसे देखो उसको कितना आराम मिलेगा। ऐसा आपने देखा कहीं, यू फाइंड इट यूनिवर्सिटीज में, आप जब जाओगे ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जब आप जाओगे ना तो आपको मिलेंगे गेट के पास में, जीजीयू में आप जाओगे देखना, जब गेट में एंट्री करते दोनों तरफ बड़ा सा कॉरिडोर है, दरवाजा तो गेट है बहुत लंबा सा, तो वहां पर एक तरफ दूसरे संघ के लोग बैठे हैं, एक तरफ दूसरे बैठे हैं, कोई भी जाओ किसी से पूछ लो कि मुझे फॉर्म भर रहा है वहां जाना, अच्छे से बताएंगे आपको, निःशुल्क होता है वो, कोई पैसे चार्ज नहीं करते। तो यहाँ पर यही मतलब उसका विशिष्ट लक्ष्य, कोई ना कुछ समूह बनता है तो विशिष्ट लक्ष्य होता है उसका, और उन विशिष्ट लक्ष्य को पाने के लिए समूह का नेता समूह को सदस्यों को प्रेरित करता रहता है, उनको मोटिवेट करता रहता है। ठीक है, नेतृत्व की परिभाषा में आता है। और क्या करता है, यह अनुयायियों में आत्मविश्वास को जगाने, आत्मविश्वास होता है ना कई बार कि हम हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है बार बार, ऐसा लगा कभी किसी को, वी फील कि हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हम एक ज्यादातर हमारे साथ एक बात होती है, हर कोई कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये बात आपने सुनी होगी, और कमाल की बात देखो हर व्यक्ति कहता है, अगर मेरे आज मान लीजिए मेरे साइकिल का या मेरे बाइक का पिछला व्हील पंचर हो गया तो आप रुकोगे और कहोगे पता नहीं आसान हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, आपकी मम्मी ने आपको डांट दिया आपको मेरे साथ ही क्यों होता है, ये आपके साथ नहीं होता है, हर किसी के साथ होता है, लेकिन फीलिंग हमारी अपनी होती है इसलिए हमें लगता है मेरे साथ क्यों होता है। उस समय जब ये बात आप कहते हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है तो साइकोलॉजी कहती है, मनोविज्ञान कहता है कि उस समय आपका जो आत्मविश्वास है वो थोड़ा डगमगा गया होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कम होता है तब ऐसी बातें आपके मन में आती है। नेता क्या करता है, तब नेता कोई होगा तो आपको बताएगा भाई ये आपके साथ नहीं होता, दुनिया के साथ सबके साथ होता है, हर कोई पिट के आया है यहाँ पर, कोई ऐसा नहीं है जो एक दो बार नहीं पिटा हो बचपन में या जब भी कहीं ना कहीं, सब में यू हैव गॉन एक दूसरे थप्पड़ जरूर खाया होगा। ठीक, तो फिर आपको लगता है हाँ यार मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, सारे ऐसे, चलो ठीक है फिर ठीक है, होता है सर, इट इज देयर। जब बिजली जाती क्या करते हैं हम, जब बिजली चली जाती घर पे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ठीक है क्यों होता है इसे, उसे हमें ऐसा लगता है कि उसकी गई का मतलब है कि कहीं ना कहीं मेजर फॉल्ट है, हमारे घर की परेशानी नहीं है, सभी दिए फिर कम आ जाएगी या हमारे घर की तो हम अपने घर की देखें, इससे क्या होता है आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, चलो ठीक है तो आ ही जाएगी सर, आप समझ रहे हो चीज को। इसी तरह से जो नेता है आपके जो समूह है
समूह के सदस्यों के जो आत्मविश्वास है उसको जगाने का, बार बार जगाने का वो काम करता है। इससे निर्देश देने की मानसिक क्षमता होती है, यानी कि उसके अंदर एबिलिटी होती है। किस तरह से आदमी जब डगमगाने लगता है, अपने आप को कमजोर समझ लगता है, तो नेता उस कमजोरी को दूर करके दो चार पंप मार देता है और समूह के सदस्य फिर दोबारा से रिचार्ज हो जाते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। ठीक, कई बार नेतृत्व को लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में इसकी दूसरी, ये दूसरी बात जो कही है कि नेतृत्व की जो परिभाषा मुझे ऊपर बताई थी उससे दूसरी उसमें बात कह रहा है कि कई बार नेतृत्व को लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में समूह को प्रभावित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। दो बातें बताई इसमें, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा ये वाला। इसमें देखो, पहली लाइन में कहते हैं कि जो नेतृत्व है एक व्यवहारिक क्षमता के साथ साथ एक कौशल होता है। दूसरी बात कह रहे हैं कि लक्ष्य को प्राप्त करना, कुछ नेतृत्व, कुछ आपको जो टाइप ऑफ लीडरशिप आपको बताएंगे उसमें कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपने समूह के सदस्यों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, उनके सामने एक लक्ष्य होता है कि हमारा काम ग्रुप का जो लक्ष्य वो पूरा हो जाए, बाकी बाढ़ में जाए। ठीक, व्हेन वी गो टू टाइप ऑफ लीडरशिप वी एक्सप्लेन दैट कांसेप्ट। इसमें तो यहां पे ये बात करा है, कई बार नेतृत्व को लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में समूह को प्रभावित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब देखो आप उसको आगे, कीथ डेविस बताते हैं कि डेविस कि नेतृत्व दूसरों को दृढ़ता से, दृढ़ता मतलब समझते हो, मजबूती से परिभाषित उद्देश्यों को पाने के लिए राजी करने की क्षमता हो। आप देखते हैं कि पॉलिटिकल सर्कल्स में आप देखोगे सरपंच कोई और बनना चाहता है, एमएलए कोई और बनना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर कोई और बनना चाहता है, लेकिन उसके पीछे लोग गाड़ियों लेके साथ घूमते रहते हैं। आपने देखा है इस चीज को? आप देखेंगे कि कोई नेता बनना चाहता है, एक आदमी एक नेता तो एक अकेला ही है, कोई बन रहा है एमएलए एमपी बनेगा वो, लेकिन उसके पीछे उसके कितने सारे गुर्गे घूमते रहते हैं, गाड़ियां लेके गाड़ियां घूमते हैं और जहां वो जाएगा उससे पहले पहुंच जाएंगे, उसका अरेंजमेंट कराते सब कुछ कराते। ऐसा क्यों होता है? कि वो आप जैसे कह रहे हो कि बाद में नौकरी लगाएगा, याद रखेंगे जो नेता के पीछे घूमते हैं वो नौकरी के चक्कर में नहीं घूमते, उनको एक तरह से आप देखो वो नेता कितनी चलाकी से, वो जो नेता है कितनी चलाकी से उनको अपना लक्ष्य पाने के लिए उनको मोटिवेट करता रहता है। मूर्खता का एक मूर्खता की हद होती है, दिन रात उसके पीछे लगे रहते, अपना उसको लक्ष्य पाना है उसके पीछे लोग कितने बुरी तरह से लगे रहते हैं, सारे काम उसके करेंगे। ठीक है ना, मतलब उद्देश्यों को पाने के लिए व्यक्ति किस तरह से उन सदस्यों को, उन व्यक्तियों को इतना मोटिवेट करके रखता है कि लोग उनके साथ लगे रहते हैं। कोई बात यहां पर कि देवी जी बात करें कि नेतृत्व दूसरों को दृढ़ता से परिभाषित उद्देश्यों को पाने के लिए राजी करने की क्षमता है, उनको राजी करके रखता है। और क्या राजी करके रखता है? आने वाला भविष्य दिखाता है, आने वाले भविष्य में ये होगा तो हम ये करेंगे। ठीक है, जिससे वो क्या करते हैं, हमेशा से वो तैयार रहते हैं। यहां पर एक शब्द आया है परिभाषित उद्देश्य, ये बताया क्या होता है? ऐसे उद्देश्य जो पहले से फिक्स किए गए हैं, फिक्स किए गए, डिफाइन किए गए, परिभाषित किए गए कि ऐसा काम हमें करना है, कोई परिभाषित उद्देश्य। यह वह मानव कारक होता है जो एक समूह को एक साथ बांध रखता है। यहां पर हम नेतृत्व की बात कर रहे हैं, नेतृत्व क्या मानवों के अलावा भी कहीं पाया जाता है? प्लीज टेल मी, पाया जाता है? एग्जाम्पल बताओ। हाथियों के झुंड में पाया जाता है। हाथियों के झुंड का जो नेता होता है कौन होता है? उस समूह की जो सबसे बड़ी सीनियर मोस्ट हाथनी वो होती है, पता है आपको। और बंदर वाली बात बताई थी मैंने, बंदर वाली, बंदर के समूह के अंदर नेता भी होता है। नेता को पहचानते हो कैसे? पूंछ उंगली उसकी, और उस समूह में चाहे 100 बंदर हो सबकी पूंछ नीचे रहेगी। अगर उस समूह में अगर आप देख रहे लीडर कौन है तो आप देख रहे जिसकी पूंछ ऊपर होगी वही एक लीडर मिलेगा। हाँ आप देख रहे कभी भी, अगर ये बात आपको अंदाजा नहीं है इंटरनेट पे देख लेना, ग्रुप ऑफ मंकीज को देखो, ओनली वन किसी दूसरे बंदर की हिम्मत नहीं होती कि पूंछ ऊपर कर ले, जिसने ऊपर कर ली उन दोनों के बीच कंपटीशन होता है
अब मान लीजिए एक पूरा समूह है, उसमें एक बंदर बहुत मजबूत है, उसकी पूछ ऊपर रहती है, वो लीडर है। अब दूसरा भी कोई नया बंदर आ गया, ग्रुप का ही कोई बच्चा नया बड़ा होगा, मजबूत हो गया, अब उसके मन में भी लीडर बनने की इच्छा है, तो क्या करेगा, उसको चैलेंज करने के लिए अपनी पूछ ऊपर कर लेगा। व्हाट हैपेंस, वो देखेगा कि अच्छा ये नया नया, दोनों में कॉम्पिटिशन होता है, फाइट होती है, और जो जीतेगा वही लीडर रहेगा। मान लो पहले वाला हार गया ना, उसको क्या करना पड़ेगा, अपना ही पूछ नीचे, अब उसकी पूछ ऊपर रहेगी। यू सी दिस कंडीशन, आप देखना ये बिहेवियर है, बहुत मजेदार चीज है, हर जगह मिलेगी आपको ये नेतृत्व। यहां पर हम नेतृत्व की जो बात कर रहे हैं, मानव कार्य की बात कर रहे हैं। एक समूह में जो है हम एक साथ, नेता का एक गुण होता है कि वो सारे समूह को एक साथ बांधे रखता है, कोई ना कोई एक चीज ढूंढ लेगा, वो कहेगा तुम सब एक हो। इस टाइप से बातें करते ना, हमारा ये लक्ष्य है, हम एक पूरे इस देश के एक निवासी, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं 125 करोड़ भारतीय, जैसे सब कहते हैं, हमें लगता है कि हमें भी कह रहे हो ये बात, हमारा नाम भी ऐसा ले रहे हैं, ऐसे लगता है हमने को सेम चीज बता रहा है, समूह की बात रखता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित कर रहा था। ये बात की जैसे कहते हैं कि कौन सा लक्ष्य, जो समूह का लक्ष्य है उसको पाने के लिए जो नेता है अपने लोगों को हमेशा प्रेरित। ये इंग्लिश में थी, इंग्लिश में करूँ इसको अपने एक्सप्लेन किसी तरीके, है कोई इंटरेस्टेड इंग्लिश के लिए? नो सर, हिंदी में एक बात है, अगर इंग्लिश का कोई है तो मुझे बता देना, क्योंकि कई बच्चों को लगता है कि। अब इसके हम देखते हैं कि प्रकृति, व्हाट इज द नेचर ऑफ लीडरशिप, मेन कांसेप्ट इसमें आता है। आप देखेंगे कि मैंने तीन चीजें यहां पर बात की आपको, मीनिंग ऑफ लीडरशिप, डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप, एंड नाउ वी आर कमिंग टू नेचर ऑफ लीडरशिप। अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और प्रकृति क्या है, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन ये अंतर आपको समझ में आना चाहिए। जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, आप एक दूध का एग्जाम्पल लो, अपने हरियाणा में दूध की काफी वो है ना, कहीं भी हम जाए दूध तो जरूर ढूंढते हैं, तो उसको देखो दूध का अर्थ क्या है, दूध की जो डेफिनेशन क्या है और दूध की प्रवृत्ति या प्रकृति क्या है, आप जोड़ लो उसको। कोई और चीज एग्जाम्पल ले सकते हो आप अपने यहाँ पर, कोई और एग्जाम्पल जैसे हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से आते हैं, जहाँ पर हमारे यहाँ हरियाणा में खूब खेती होती है, नर्मा ले लो, आजकल नर्मा का समय है, चल रहा है टाइम, नर्मा का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा, आप किसी से पूछे आपसे कि नर्मा का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा और प्रकृति क्या है, आप अंतर समझ रहे हो। जब इस चीज को आपको कोई चीज समझ में नहीं आए, तो आपके जो असल जीवन से संबंधित चीजें है उसे जोड़ के अगर आप समझोगे तो आपको अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लगता है नेतृत्व के, आपको अर्थ भी डेफिनेशन भी प्रकृति की जैसे लगती है, कैसी लगती है, लेकिन जब आप अपने जीवन से संबंधित जो चीज आपको अच्छे से समझ में आई हुई है उसके साथ जोड़ के इसको पढ़ोगे तो आपका इसका जो अंतर है स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ये चीज आप देखो। अब इसकी प्रकृति देखते हैं, सबसे पहली प्रकृति में पॉइंट इसका ये आता है कि जो नेतृत्व होता है एक समूह प्रक्रिया होती है, कैसी होती है इसका मतलब बताओ आप, कोई अकेला घर पे लीडर नहीं बना सकता, मैं अपने घर पे लीडर बना रहा हूं तो बना रहा हूं, कोई पूछने वाला, जब तक हम समूह में नहीं है, जब तक कोई समूह नहीं है किसी को लीड करने के लिए, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्या फायदा उस लीडरशिप का। तो पहला पॉइंट इसकी प्रकृति में आएगा, नेतृत्व क्या होती है कि समूह प्रक्रिया होती है, क्या है कि जिसके तहत नेता उस समूह का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव, इसका मतलब बता सकते हो कोई बताए, मैंने बताया उस क्लास में, प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, आपको रिप्रेजेंट करने वाला, मान लीजिए आपकी कोई समस्या है, क्लास की कोई प्रॉब्लम है, एंड यू वांट टू रिप्रेजेंट योर प्रॉब्लम टू द प्रिंसिपल, कि सर बीए सेकंड ईयर की साइकोलॉजी क्लास लगती नहीं है, मतलब आपकी प्रॉब्लम है ही, और बहुत सारे दिन होता है ऐसा कि सर क्लास, सर आते हैं क्लास में और मोबाइल पर खेलते रहते हैं, कहते पढ़ लो, तो क्या होगा, एक बार दो बार तीन बार चार बार आप देखोगे, अब आपको पेपर नजदीक आने वाले हैं, क्लास एक भी लगी नहीं, तो यू में तो दो चार खाना पूछी शुरू हो जाएगी, चलो प्रिंसिपल से बात करते हैं, ठीक है, तो पूरी क्लास जाएगी वो, अब पूरी क्लास में सर पूछा क्या हुआ, सारे क्लास में करते हैं सर ऐसा है, फिर क्या कहते हैं सर, कहते हैं एक बोलो, एक बताओ तुम बताओ, फिर क्या होगा, तुम बाहर चलो बाकी एक दो आगे बताओ, जो दो अंदर जाते हैं बताने के लिए सारी बातें, दे आर रिप्रेजेंटेटिव, जो बात कह रहे हैं वो अपनी मर्जी से नहीं कह रहे, आप लोगों की सारी विचारधारा रख रहे हो, मेरी बात समझ आप, इसको बोलते हैं प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव।
अगला पॉइंट देखो इसमें, प्रभाव और संचार। प्रभाव क्या होता है? इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस क्या होता है? प्रभाव। दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का असर आपके ऊपर होता है। कुछ मैंने आपको पहले बताया है, कुछ टीचर्स का प्रभाव इतना होता है कि बच्चे उस विषय में इंटरेस्ट ना होते हुए भी उस विषय को ले लेते हैं, वो प्रभाव होता है। वाह देखा आपने, तो कुछ लोगों का आपके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि लोग जो है अपनी राइटिंग स्टाइल उनको देखकर बना लेते हैं। मान लीजिए कोई अक्षर हमने ऐसे लिखाया, पैर खाया, राइट स्टाइल से लिखा, तो व्यक्ति क्या करेंगे, उसको देखकर बच्चे वैसा लिखना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं कि वो सुंदर लिखा है, इसलिए कि जो लिखने वाला है उसका प्रभाव आपके ऊपर है। सॉरी। दूसरा है संचार। संचार क्या होता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका। कुछ नेता ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कुछ आपको दे ना दे लेकिन आप सारा दिन चाहते हो उनके साथ उनकी बात सुनना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कई बार पूछा जाता है ना कि आप इसे क्या बात कर रहे हैं, कुछ नहीं है, बढ़िया बातें कर रहा है, बहुत अच्छी बात करती है, वो संचार है। तो नेता के जो ये दो गुण हैं, प्रभाव और संचार, ये केंद्रीय गुण माने जाते हैं। These are the central traits of a leader. अगर किसी के अंदर ये दो गुण हैं, समझ लो नेता होने के उसके गुण हैं। आगे देखें, नेतृत्व उन लोगों के साथ स्पष्ट संबंधों का तात्पर्य है जो किसी नेता के नियंत्रण में रहते हैं। नियंत्रण का मतलब कंट्रोल, देखो आप, यानी कि कंट्रोल में जो लोग रहते हैं उनके साथ नेता का कोई ना कोई संबंध होता है। नेतृत्व कार्य या वृत्ति संबंधी समस्याओं के लिए समाधान हो जाकर आता है। ये भी आप देखो, किसी काम से संबंधित या किसी सिचुएशन से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो नेतृत्व क्या करता है, या कोई वहां का जब नेता होता है तो उस समस्या का समाधान के लिए भी हम नेतृत्व के पास या नेता के पास पहुंचते हैं। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? कभी फेस टू फेस सिचुएशन नहीं हुई? गांव में प्रॉब्लम आती है, लोड सब प्रॉब्लम आती रहती है, आपके घर से नाली जा रही है, पीछे वाले नाली में गोबर भर देते हैं, रोज की कहानी आपके कोई इकट्ठा आपके गांव घर के सामने हो जाता है, रोज को कहते वो सुनता नहीं है, मैं करूंगा भाई तू कर ले तो क्या करेगा, ऐसा होता है ना कई बार। फिर क्या करते हैं हम, सरपंच होगा कोई जाली जाली लगाएंगे, उससे काम नहीं चलेगा, सारा काम विल मूव टू गांव का जो सरपंच है, कोई बड़ा जो समझदार आदमी के पास जाते हैं, भैया किस बात वी सिट टुगेदर। नेतृत्व फिर क्या प्रदान करता है? उसका समाधान, सोल्यूशन। अपने गांव से रिलेटेड एग्जांपल मैंने दिया आपको। आप देखो, क्योंकि समूह का नेता आमतौर पर ऐसा व्यक्ति होता है जिसका समूह की गतिविधियों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ये बात देखो, कमाल की बात ऐसी होती है नेतृत्व के अंदर, लीडरशिप में, कि जो बात आपको एक घर का सदस्य कहता है बार बार, पड़ोसी कहता है, उसको हम नहीं सुनते हैं, लेकिन नेतृत्व में नेता एक बार कहते हैं उसको मान लेते हैं। हमें सबको पता है कि स्वच्छता सफाई रखना कितना इम्पोर्टेंट है, पता है, हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, लेकिन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, हमारे प्रिंसिपल सर कहते हैं, वी बिकम एक्टिव, एक्टिव हो जाते हैं, साफ सफाई कर देते हैं। हमारे माँ बाप, हमारे टीचर्स जो है डेली हमें कहते हैं सफाई रखो, ये करो, डोंट केयर, जहाँ खाया वहीं फेंक दिया। द मोमेंट हमारा नेता कहता है, देखो उस बात वही है, आई कहीं और से है, नेतृत्व के अंदर ये क्षमता, ये गुण, ठीक है। चलो, इस प्रकृति, डोंट वरी, वी विल फिनिश दिस चैप्टर, प्रकृति भी फिनिश कर देंगे, ठीक है, बी रिलैक्स, जो उसके नेक्स्ट वाला जो पार्ट पोर्शन है वो कल करेंगे। उचित एवं सही नेतृत्व के लिए संस्थागत व्यक्ति को लोगों में दिलचस्पी जगाने और अपनी मर्जी से समूह का गति क्रम निर्धारित करने में सक्षम होना चाहिए। किम्बल यंग एक बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, वो बताते हैं कि किस तरह बता रहे हैं कि आप देखेंगे कि जो नेतृत्व है उसके अंदर, या जो नेता है उसके अंदर एक ही खास गुण की आवश्यकता है कि लोगों के अंदर समूह का जो लक्ष्य है उसके प्रति दिलचस्पी जगाना एक तो मुख्य काम है, और उस दिलचस्पी जगाने की क्षमता होनी चाहिए। आपके अंदर जैसे है, यू आर सिटिंग इन द क्लास, कई बार ऐसा होता है, स्थिति आती है, यू फील लिटिल बिट बोर्ड, छूट के बाहर जाना चाहते हैं, बट दैट इज आउट ऑफ योर कंट्रोल, आप नहीं जाते। तो यहाँ पर जो नेता है, यहाँ का नेता कौन, टीचर ही है, अब तो वैसे वी आर नॉट लीडर्स,
But as of now, at the immediate environment में, we are behaving like as a leadership qualities, leadership. तो क्या है कि हमारे अंदर हमें ऐसा काम करना है कि आपके अंदर इस क्लास के प्रति एक दिलचस्पी, एक रुचि जगे. वो कैसे करते हैं हम? कोई हमारे लोकल लैंग्वेज में भाषा में बोल देना, होता है ना, फीलिंग होती है, आराम से मिलता है. कोई जोक या कोई चुटकुला सुना देना, कोई ऐसी बात बता देना ताकि आपका जो इंटरेस्ट है, कोई कहानी सुना देना छोटी सी. तो किम्बलिंग कहते हैं कि हमें किसी भी नेता को लोगों के अंदर दिलचस्पी जगाने की क्षमता होनी चाहिए. अब देखें, पर्सनैलिटी के पीएफ पर्सनैलिटी जो फैक्टर्स होते हैं, एक सिद्धांत हमारा आता है इसके, पांच मुख्य पर्सनैलिटी फैक्टर्स होते पाए जाते हैं, पीएफ फाइव या बिग फाइव को कहा जाता है. तो उसमें एक नेता के अंदर उन पांच में से मिनिमम तीन गुण पर्सनैलिटी के जो कारक हैं पाए जाने चाहिए, पाए जाते हैं. जैसे बहिर्मुखता, एक्सट्रोवर्शन. आपको पता है बहिर्मुखता क्या होता है? डू यू नो दिस? पता है आपको बहिर्मुखता? नहीं पता आपको? एक्सट्रोवर्शन, एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में अंतर पता है? एक्सट्रोवर्शन क्या होता है? वो जिसके वो घर मिल जाए बात करना शुरू कर देगा, फोन में उसके 300-400 नंबर होंगे ना, दोस्तों से हा हा चिल्लाना, हंसना, बैठना, किसी साथ दोस्ती कर लेना, तो ये सारी बहिर्मुखता है. ठीक है, यानी कि नेता के अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं. दूसरा देखो, अनुभव के लिए खुले हुआ. ये बताओ क्या होता है? नए एक्सपीरियंस के लिए तैयार है. हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि रेडी टू फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस. आपको नया अनुभव, आज आप रोज इस गेट से आते हो, एक दिन खिड़की से आके देखो, नया अनुभव हो, अब नहीं है अब तो जाली लगी है. मेरे कहने का मतलब कॉलेज से रोज से आते हो, कभी उधर से आओ. You are ready for new experience. नेता के अंदर यानी कि you are ready for change. बदलाव होने की जो क्षमता है वो नेता के अंदर होनी चाहिए और पाई भी जाती है effective leaders के अंदर. और एक बार देखो, ईमानदारी, very important. ईमानदारी जो है एक बहुत है, यानी कि जो काम आप करना चाहते हैं वो काम लीडर के माध्यम से, या जो पैसे का लेन देन है, या लोगों के प्रति उसका रिलेशन है, इन सभी में किसी एक नेता को ईमानदार होना चाहिए. ये पाया गया है कि ये तीनों गुण कौन कौन से बताओ आप? बहिर्मुखता, अनुभव के लिए खुलापन और ईमानदारी. ये तीनों गुणों में और एक प्रभावी नेता में, प्रभावी नेता समझते हो जिसका पूरा असर होता है एक बात का, उनके बीच में गहरा सह संबंध पाया गया है, कोरिलेशन पाया गया. गहरा से संबंध समझते हो आप? पॉजिटिव कोरिलेशन है कि जो प्रभावी नेता होगा उसके अंदर ये तीन गुण पाए जाएंगे, या जिसके अंदर ये तीन गुण होंगे वो प्रभावी नेता बन सकता है. इसका मतलब ये, आप देखो इसमें एक और चीज आती है मजेदार. कई बार एक नेता समूह के सदस्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता है. इसके लिए मैंने एक छोटी सी स्टोरी मैंने उस क्लास में सुनाई थी, आपको भी सुनाई. ठीक है, इसके साथ साथ मैं और बताता हूं, एक सिद्धांतकार का फर्ज निभाता है. सिद्धांतकार क्या होता है? सिद्धांत जो अपने सिद्धांतों में चलता है. और उनके लिए बलि का बकरा बनने के लिए वो तैयार रहता है. बलि का बकरा बनना पता है क्या होता है? काम कोई और करे और उसकी जिम्मेदारी स्वयं ले. तो इससे संबंधित मैं एक छोटी सी स्टोरी आपसे सुनाता हूँ, डॉक्टर कलाम के बारे में कहानी है. जब हमारा पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था तो डॉक्टर कलाम, अब्दुल कलाम जो हमारे पीपल्स प्रेसिडेंट इनको कहा जाता है, वो उस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे. उस रॉकेट जो जाना था उपग्रह भारत का पहला, और वो जब लॉन्च किया गया तो वो लगभग 12 सेकंड के बाद ही वो ऊपर जाके आसमान में तो कुछ प्रॉब्लम आ गई और वो रॉकेट फट गया और पूरी जो है सारी मेहनत उनकी समुद्र के पानी में गिर गई है. कलाम वाज रिजेक्टेड. डॉक्टर कलाम बताते हैं उनकी स्टोरी है, बड़ा परेशान हो गया कि अब, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर भारत पर लगी थी कि भारत भी उपग्रह छोड़ रहा है और सबके कैमरे लगे थे, सब देख रहे थे और आखिर हम फेल हो गए. अब पत्रकार तो आएंगे, तो पत्रकार को आप जानते हैं कितने प्रश्न पूछते हैं, तो उनके जवाब कौन देगा इस चीज में? भारत इतने सारा पैसा लगा हुआ, करोड़ों रुपए उसमें लगे हुए थे. तो जब डॉक्टर कलाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो करें कि मैं कांप रहा था कि कैसे जवाब दूंगा. डॉक्टर कलाम के साथ साथ इसरो के डायरेक्टर थे प्रोफेसर सतीश धवन. उस समय इसरो के डायरेक्टर थे
प्रोफेसर सतीश धवन। तो जब टेबल लगाई गई, दो चेयर लगी वहां पर, इधर डॉक्टर धवन बैठे, इधर डॉक्टर कलाम बैठे। चूंकि डॉक्टर कलाम प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे तो प्रश्नों का जवाब डॉक्टर कलाम को देना था, लेकिन जैसे ही माइक डॉक्टर कलाम को दिया गया, प्रोफेसर सतीश धवन ने माइक उनसे हाथ से ले लिया और सभी प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दिए। पत्रकारों ने जो प्रश्न किए, पत्रकारों को आप जानते हो कैसे प्रश्न करते हैं, ऐसा मन करता है कि अगर गुस्सा आता है तो थप्पड़ लगा दें, बट डॉक्टर प्रोफेसर सतीश धवन ने बड़े शांतिपूर्वक सारे उनके जवाब दिए और अंत में उन्होंने कहा कि अगले एक साल में हम दुनिया को दिखा देंगे कि भारत के अंदर एक कैपेसिटी है कि वो उपग्रह द्वारा लॉन्च कर देंगे। ठीक, अब डॉक्टर कलाम को बताते हैं कि मुझे बड़ा सहारा मिला और फिर बोले कि मैं पूरी ताकत से हम लग गए और सही अगले साल एक साल के बाद फिर हमने रॉकेट लॉन्च किया, उपग्रह को उसके ऊपर उपग्रह रखकर हमने लॉन्च किया और उपग्रह को हमने कक्षा में सक्सेसफुली स्थापित कर दिया। तो उस समय भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो गया उपग्रह छोड़ने वाला पहला। ठीक, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, फिर वही टेबल लगी, इस बार पूरी दुनिया खुश, भारत के लोग खुश, कलाम जी बोले मैं बहुत खुश, और फिर वही डायरेक्टर प्रोफेसर सतीश धवन बैठे थे, इधर ही वो बैठे, इधर फिर जबकि अगेन डॉक्टर कलाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और माइक दोबारा से कलाम को दिया गया। इस बार कलाम साहब ने क्या कहा कि माइक प्रोफेसर सतीश धवन को देना चाहा। इस समय सतीश धवन सर ने कहा कि नहीं, आज जवाब आप दो, प्रश्नों के जवाब आप दो, क्योंकि सफलता काम आपने किया है, प्रश्नों के जवाब अब जब सफल हो गया काम तो डॉक्टर कलाम ने सारे प्रश्नों के जवाब दिए, सब कुछ ठीक ठाक रहा, एवरीवन वाज हैप्पी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब खत्म हुई तो डॉक्टर कलाम बताते हैं कि उन्होंने पूछा सतीश धवन से कि सर जब मैं फेल हुआ तब जवाब आपने दिए, लेकिन जब हम सक्सेस हुए तब आपने ऐसा नहीं किया। तब उन्होंने बताया कि ऐसा है, एक समूह का नेता ऐसा ही होना चाहिए, जब समूह के सदस्यों पर कोई समस्या आती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए, लेकिन जब समूह के सदस्य सफल होते हैं, समूह का लक्ष्य जब प्राप्त किया जाता है, उस समय जिम्मेदारी समूह को दी जानी चाहिए। तब कलाम कहते हैं कि उस दिन मैंने सीखा कि एक नेता एक्चुअल में असली नेता कैसा होता है। ये जो स्टोरी है ये इंटरनेट पर भी है और चाहो तो मैं आपको यहां भी दिखा सकता हूं, इसमें वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो दिस मीन्स ये हमें दिखाता है कि हाउ लीडरशिप, नेता किस तरह से जिम्मेदारी लेता है और कई बार बलि का बकरा बनने के लिए भी वो तैयार रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, हम इतना ही करेंगे आज, हम इतना ही करेंगे। ये था हमारा आज का लीडरशिप का मीनिंग, डेफिनेशन और नेचर ऑफ लीडरशिप के बारे में पढ़ा। इसमें कोई आपका प्रश्न इसके बारे में?